तो आज मैं अकेले मकर मच्छर बंदर की कहानी लाई हूँ। चैनल एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच में एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मकर मच्छर रहता था और तालाब के चारों तरफ खूब सारे पेड़ लगे थे। उसमें से एक पेड़ जामुन का था और जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और बंदर और मगरमच्छ ऐसे दोस्त थे। बंदर बेर से मीठी मीठी जामुन खाया करता था और अपने दोस्त मगरमच्छ को भी देता था। बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ का बहुत ध्यान रखता था। मगरमच्छ बंदर को अपने पीठ पर बैठा कर पूरा तालाब घुमाता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। बंदर जो जामुन मगरमच्छ को देता था उसमें से कुछ जामुन मगरमच्छ अपने पत्नी को देता था। दोनों जामुन बड़े चाव से खाते थे। एक बार मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, बंदर तो हमेशा मीठे मीठे जामुन खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, मुझे बंदर का कलेजा चाहिए। मगरमच्छ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, बंदर मेरा दोस्त है, मैं इसका कलेजा नहीं ला सकता। मगरमच्छ ने अपने बंदर को समझाने की बहुत कोशिश की, तो उसकी पत्नी नहीं मानी। तो वो मगरमच्छ से गुस्सा हो गए और मजबूरी में मगरमच्छ को हाँ कहना पड़ा। तेरा मीठी मीठी जामुन के साथ बंदर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मगरमच्छ आया और दोनों ने मिलकर मीठी मीठी जामुन खाए। मगरमच्छ ने कहा, आज तुम तुम्हारी भाभी ने खाने पर बुलाया है। बंदर ने कहा, हाँ हाँ मैं जरूर चलूंगा और कूद कर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब दोनों रास्ते में थे तो मगरमच्छ ने उसको सारी बात बता दी कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। फिर बंदर सोचने के बाद बोला, अरे दोस्त तुमने बैरे क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना कलेजा बैर में लगाया। अच्छा तो वापस चलो, मैं अपना कलेजा बैर से लेकर आता हूँ। मगरमच्छ ने कहा, ठीक है चलो। ऐसे ही बंदर बैर के पास पहुँचा और बोला, दोस्त अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं तो तुमको सच्चा दोस्त समझता था, मगर तुम मेरा कलेजा लेना चाहते थे। कूद कर जामुन के पेड़ पर चल गया। मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ और बहुत पछताया, मैंने अपना अच्छा दोस्त खो दिया। कहानी से ये हमें शिक्षा मिलती है, संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, मुसीबत के समय बुद्धि का प्रयोग करके उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक और वीडियोस।